इन भाई साहब को आप देख रहे हैं? हाँ भाई हाँ। तो आपने इनको जरूर देखा होगा। हाँ भाई हाँ। क्योंकि ये पाकिस्तान के सीनियर सहाफी यानी कि जर्नलिस्ट पत्रकार है और काफी सालों से पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओके। ये बंदा जब से पैदा हुआ है और आज तक मेरे ख्याल से 50+ हो चुका है, इसने सिर्फ भारत के खिलाफ जहर ही उगला है। क्यों पता नहीं, सिर्फ जहर 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 जहर। पहले टीवी स्टूडियो में बैठ के इसने भारत के खिलाफ जहर उगला और अब अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जहर उगलता है। हाँ भाई हाँ। अब इसके हृदय परिवर्तन जो हुआ है भारत के लिए, अब इस बंदे ने की है भारत की भर भर के तारीफ। जब ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही सपोला है जो जहर उगलता है। आज अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, मैं तो शौक हो गया भाई, मैं शौक हो गया। मुझे लगा इस पे वीडियो बनना चाहिए भाई साहब, क्योंकि पहले झटका मैंने खाया, अब आप खाओगे। नंबर एक का कबीना। पहले तो इन भाई साहब के बयान सुनिए, आपकी इंडिया के बारे में ये क्या विचार रखते थे? क्या एशिया में नया हिटलर पैदा हो चुका है जिसे दुनिया और खुद भारत के अमन को खतरा है? अब भारत के ऊपर हमला हो, भारत के ऊपर बम्स गिरे, भारत की अपनी चौकियां तबाह हो गई, भारत के अपने लोग मारे गए, उसमें हराम मौत मर गए। तहकीकात के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया के इन ममालिक में से है जहाँ सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की पामाली हो, जहाँ लोगों को उनके बुनियादी हकूक से दूर रखा जाता है, जहाँ की हुकूमत मजहबी इश्तियाल अंगेजी को जानबूझकर परवान चढ़ा। वो कौन है जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की कोशिश की? वो कौन है जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में फंसाने की कोशिश की? वो कौन है जो पाकिस्तान में मुसलसल मुआशी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है और FATF में इसका अमली मुजाहरा भी देखे? वो कौन है जो पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहा है? और वो कौन है जो पाकिस्तान में अलहदगी पसंद शिद्दत पसंदों को सपोर्ट कर रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान के दुश्मनों पर मेहरबान है? वो कौन है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे खिलाफ मदद दे रहा है? और कौन है जो पाकिस्तान को खारजा महाज पे तनहा करने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान के CPAC के लिए गड़े खोद रहा है? वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक के लाहौर में दहशत गर्द और खुदकश हमले कर रहा है? अगर आप इन सब बातों पर नजर उड़ाएं तो आपको एक ही किरदार नजर आएगा और वो है भारत। भारत के एटमी प्रोग्राम गैर महफूज होने की वाज़ेह मिसाल। और ये जितने भी वीडियो आपने देखे सब एक साल के अंदर अंदर के हैं, कोई भी ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है। पुराने वीडियो में दिखाने लगूंगा तो फिर 3 घंटे की पिक्चर यही बन जाएगी। अब भाई साहब का लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। ये मौजूदा दौर में जब हम किसी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, जो सबसे पहले चीज हमें नजर आती है ना, वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी एक्सपोर्ट्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस मुल्क में कौन सी बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं, वो पैसा लगा रही हैं, स्टार्टअप्स को कर रही हैं और मजीद कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाई में इंडिया, और इंडिया है जो बड़ी रैपिड उस पर प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी के दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिसे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। मैं आपके सामने इंडिया पाकिस्तान दोनों के IT सेक्टर का जरा मुआवजना करता हूं और ये सच है, कड़वा है और आपको बुरा लगेगा, लेकिन बर्दाश्त करें ताकि हो सकता है आपकी भी आंखें खुलें और हमारे हुक्मरानों के कान खुलें और वो इस सिलसिले में कुछ कर सके और ये सोचें कि हम तारीख के किस दौराहे पे खड़े हैं। इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त $150 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है $1 ट्रिलियन और हमारी टोटल IT एक्सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है $1 बिलियन। लेकिन आप तो डरे पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों में शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, पक्के बेशरम होते हैं, पक्के बेशरम। खैर आप कंटिन्यू रहे। इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $573 बिलियन है। अगर आप उसमें से अभी अडानी के $100 बिलियन निकाल भी दें तब भी $473 बिलियन। अब रह गए पाकिस्तानी, जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करेंगे। अडानी इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, वो सरकार नहीं है, वो भारत नहीं है। अडानी का जो पैसा है वो उसका अपना पैसा है। अगर इसको बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो उसका अपना होता है, और घाटा भी होता है तो भी उसका होता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और रही अडानी जी की बात, वो जैसे एक साजिश के तहत नीचे गए वो अपनी मेहनत के दम पे वापस ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो बंदा जमीन से चला था और जमीन से चलने वाले उठना जानते हैं। हमारे देश के बिजनेसमैनों के बारे में गलत मत फैलाई है। और हमारे जरे मुबादले के जखायर जो हमारे पास $4 बिलियन भी नहीं, और जून से पहले हमने $4 बिलियन का कर्जा भी वापस कर लिया और अभी तक हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे तरले मिलते कर रहे हैं, स्कूल लगा के फिर रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। और पिछले 5 महीने से हमारे और IMF के सर मुजाकरात ही हो रहे हैं और $1 बिलियन की हमें किस्त नहीं दी जा रही। उल्टा उन्होंने हमें तिगनी का नाच चुचाया, कभी उनकी गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, कभी वो सर्दी की सैर पर चले जाते हैं और हमारा मुल्क जो है मजीद आफत में जाता है। अभी भी हमें यह यकीन नहीं है कि IMF हमारी बात मानेगा कि नहीं और हमारे मुजाकरात कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, या फिर वो हमें किसी के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे वजीर खजाना ने तो पहले ही हमें बता दिया कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया और पाकिस्तान को बचाना भी अल्लाह ने। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क में अल्लाह के नाम पे हम जितनी 2 नंबरी करें उससे हमें कोई गरज नहीं, हम बस ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमारी मईशत को ठीक कर देगा, हमने खुद नहीं करना। अब तो यह है कि IMF पैसे देने को तैयार नहीं, लेकिन वहीं बंगला
बांग्लादेश को वो 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा की किस्तें दे चुके। 4.57 बिलियन डॉलर। इससे साफ जाहिर है कि ना कोई हम पे भरोसा करने को तैयार है, और जो पिछले हमने उनसे वायदे किए वो हमने खुद उनको तोड़ा, तो वो उनका बिल्कुल ही वो अब हमसे पुट ऑफ हो गए। किसी को लग ही नहीं रहा कि उनके पैसे हम वापस कभी कर भी सकते हैं कि नहीं। बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो पहली बार बड़ी क्लियरली कह दिया हूँ, लाड शाड खत्म पाई जान, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, रिफॉर्म्स की बात करो तो पैसे मिलेंगे और शरायत पे मिले, वरना एक रुपया नहीं आप किसी में देना। वहीं इंडिया में आप देखें कि सिर्फ एप्पल कंपनी ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा लिए। अभी तक तो सिर्फ 20% फोन्स, आईफोन्स ये वाले जो हैं, ये नए वाले, ये इंडिया में बना रहे हैं, और अगले 5 से 10 सालों में वो 50% से ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स, टोटल एप्पल प्रोडक्ट्स वहां पे मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि ये पहले चाइना में कर रहे थे सारा को, और चाइना के अंदर से जब अमेरिकन कंपनीज ने वहां से निकलना शुरू किया तो नेक्स्ट उनकी जो स्टॉप ओवर था वो इंडिया, क्योंकि इंडिया के अलावा, चाइना के अलावा सिर्फ इंडिया। इंडिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली मार्केट बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, और इंडिया अपनी वर्कफोर्स को दुनिया भर में काम के लिए भेज रहा है। और आज जितनी बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज की लिस्ट उठा के देखें, उन सब के सीईओज जो हैं वो आपको इंडिया से मिलेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत को होश ही नहीं है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से ही फायदा उठा लें। अरे सर, आप इस्लामी मुल्क है, टेक्नोलॉजी हराम है, यहूदियों की, काफिरों की टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के लिए हराम है सर वो। को बात करता है तो उल्टा हमें बेवकूफ कह देते हैं कि जी ये देखो इनको तो गूगल से पैसे मिलते हैं ना, तो ये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दलील ये दी जाती है कि इंडिया की तो आबादी हमसे बहुत ज्यादा है जी, वो उसका फायदा हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है तो हमारे क्या भेड़ बकरी है, हमारे पास 24 करोड़ बंदा नहीं है। चलिए इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, तो क्या उनके 600 बिलियन डॉलर के मुकाबले में जो उनके रिजर्व है 50 बिलियन डॉलर तो हमारे होने चाहिए ना उसी तनासुब से, अगर आबादी के ही तनासुब रखना है, कहाँ है वो? इंडिया के 150 अरब की आईटी की एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में हमारी कुछ 10 बिलियन डॉलर की तो आईटी एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए थी ना, कहाँ है वो? आज दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क के वज़रा आज़म इंडिया के दौरे पे आते हैं, $1 बिलियन के वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के मुआहदे होते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ पिछले 2 महीने में 2 बड़े दौरे मंसूख हो चुके। पहले मोहम्मद बिन सलमान ने आने से इनकार कर दिया, और अब यूएई के सदर जो है वो भी सोच रहे हैं कि वो कब आए। और पिछले दौरे के बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा जल्दी रीशेड्यूल हो जाएगा, क्या हुआ? हुआ अभी तक रीशेड्यूल, अभी तो कोई धरना भी नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं है, तो वो भी हमारे पास बहाना नहीं है। हम कहते हैं ना कि चाइना से बड़ी दोस्ती है हमारी, चाइना हमारा भाई है, चाइना हमारी मदद करता है, चाइना हम सबको, चाइना तक हम पे हाथ उठा रहा है। वो इंडिया जिनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा रहता है लद्दाख के ऊपर, गलवान वैली के ऊपर, उनके साथ चाइना अरबों डॉलर की तजारत कर रहा है, हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम डिलीवर करें। इंडिया में इस वक्त जदीद से जदीद तरीन तक सॉफ्टवेयर बन रही है, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे निकल चुका है, तो उसको पकड़ना आप किसी के पास की बात नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं, हम सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारे हालात एकदम से बदल के रख देगा, या दूध और शहद की नहरें हो जाएंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी जी, कोई बेरोजगार नहीं फिरेगा, बाहर की मुल्क से दुनिया से लोग आएंगे यहाँ नौकरियों के लिए, लोग इधर कारोबार करेंगे। हम बस ख्वाब देख रहे हैं, उन्हीं बातों के हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसके बाद अभी हमने कई दफा अंगड़ाई भी लेनी है, फिर रिंगना शुरू करना है, और जब तक हमने उस दौड़ में हिस्सा लेना है तब तक पर दुनिया पता नहीं कहाँ निकल गई होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बयानियां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों में इन्फॉर्मेशन, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को गालियां निकालने और इनकी पगड़ियां उछालने, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों में बेयकीनी और अफरा तफरी फैलाने। आप देखें कि इंडिया की टेक्नोलॉजी के वजीर इंडिया में एक ऐसा जदीद निज़ाम चाह रहे हैं कि जो बहुत जल्द एप्पल और एंड्रॉयड इनको दोनों को बदल देगा, और इंडिया में तो सब फोन इस्तेमाल करने वाले वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो मेड इन इंडिया हो, और वहां के सरकारी दफ्तरों में तो उसका इस्तेमाल शुरू भी हो चुका है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई भी, उनका कभी अमेरिका से अगर गठजोड़ खत्म होता है, किसी से अलायंस खत्म होता है, तो उनके अपने लोगों की मालूमात लीक्स होना शुरू हो जाएंगी, तो डेटा हासिल करके लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो हमें तो गूगल कई बार कह चुका है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हम अपनी सर्विस ही बंद कर रहे हैं, इवन जीमेल बंद कर रहे हैं, और जो हमारे माली हालात चल रहे हैं आपने देख लिया कि पिछले 24 घंटे तक पूरा मुल्क ही अंधेरे में रहा। एक दिन आएगा कि यहाँ से टेलीकॉम कंपनीज भी हिजरत ना कर दे, टेलीकॉम कंपनियां ही ना हमें छोड़ दें, क्योंकि ऐसे मुल्क में कोई बंदा क्यों रहना पसंद करेगा जहाँ उनको सिर्फ नुकसान हो रहा हो। आप इसी बात को देख रहे ना, जब मुल्क में अंधेरे में डूबा तो हमारे वजीर आजम ने बुलंद बाला दावे किए कि बहुत जल्द जिम्मेदारान को सजा देंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। क्या हो गई इंक्वायरी? मिल गई किसी को सजा? नहीं, हुक्मरान तो दूर की बात है, अवाम खुद भूल चुकी है उस बात को। अब कोई नया वाक्या होगा, फिर पुरानी बातें दोहराई जाएंगी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है।
अब तो ये लगना शुरू हो गया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की बजाय पीछे स्टोन एज में जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जाते जा रहे हैं, जहां से वापसी नामुमकिन हो सकती है। अब आए ना लाइन पे। तो भाई साहब, इस बंदे ने 35 साल सिर्फ भारत को गालियां दी, आज पहली बार ये बंदा भारत की तारीफ कर रहा है और इतने भारी मन से कर रहा है, क्योंकि करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसके खून के अंदर पाकिस्तानियत भरी हुई है, कट्टर पाकिस्तानियत भरी हुई है। पाकिस्तान के हालातों को देख के आज ये मजबूर हो गया है, मायूस हो गया है, तब मजबूरी में आके बंदे ने सच्चाई को स्वीकार किया है और आज पहली बार दुनिया के सामने लाया है। तो इस जहरीले नाक का हो गया हृदय परिवर्तन और इन जहरीले नाकों का ऐसे फन कुचला जाएगा। और ये जहरीले नाग आज भूखे हैं ना तो तारीफ करने को मजबूर हुए हैं, पेट भरा रहेगा ना तो फिर वापस से जहर उगलना शुरू कर देंगे। इसलिए डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, इसलिए कोई भी पाकिस्तानी भरोसे के लायक नहीं है। और हम इंडियंस की तारीफ हो रही है तो हम डिजर्व करते हैं। सही बात है। और आप लोगों क्या विचार है इन जहरीले सांपों का हृदय परिवर्तन को देख कर? आपको क्यों लगता है ये क्यों एकदम से सरेंडर करते जा रहे हैं? वैसे सरेंडर करना तो इनकी पुरानी आदत है। तो 2-4 कमेंट धमाधम चिपका दीजिए आप और वीडियो को शेयर ज्यादा ज्यादा कर दीजिए कि जहरीले नाग में कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।